एबीपीएस न्यूज गांव की स्थिति और आवश्यकताओं को एबीपीएस न्यूज के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का सिलसिला जारी रखते हुए हमारी टीम जिला हापुड़ के ब्लॉक सिंभावली में स्थित सेना गांव पहुंची। इस समय मोसीना को ग्रामवासियों ने अपना प्रधान चुनकर उन्हें यहां के विकास की जिम्मेदारी सौंपी है। वर्तमान प्रधान द्वारा गाँव में विकास कार्य बेहतर तरीके से कराया जा रहा है। लगभग 5,000 की आबादी वाला यह गाँव जिला मुख्यालय से 22 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गाँव की दूरी मात्र 6 किलोमीटर ही है। लगभग 2200 वोटर वाला यह गाँव विकास के पथ पर अग्रसित है। गाँव की मौजूदा से रूबरू होते हुए हमने पाया कि गांव में लगभग 380 राशन कार्ड धारक हैं। बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव के जूनियर एवं प्राइमरी विद्यालय में लगभग 180 बच्चे अध्ययनरत हैं। वहीं बात अगर विकास कार्यों की जाए तो वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए 35 हैंडपंप लगवाए गए हैं व 20 हैंडपंप लगवाने की सरकार से मांग है। वहीं बिजली व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए 60 विद्युत पोल, 6 विद्युत ट्रांसफार्मर व सोलर लाइटें भी लगवाई गई हैं। वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में सीसी टाइल्स रोड, खड़ंजे, पानी के लिए नाला, पंचायत घर, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास तथा स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालयों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में सीसीटाइज रोड, खड़ंजे, पानी निकासी के लिए नाला, पंचायत घर, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास तथा स्वच्छ भारत मिशन के तहत 230 शौचालयों का भी निर्माण कराया गया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए वर्तमान ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने सीसीटाइज रोड, स्वास्थ्य केंद्र, पंचायत घर, पानी निकासी के लिए नाला, बिजली घर, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 50 आवास तथा स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालयों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। मैं ग्राम प्रधान पति सेना, ब्लॉक सिंभावली, थाना सिंभावली, तहसील गढ़मुक्तेश्वर, जिला हापुड़। हमारे गांव में जो अब तक पैसा आया है उसका कार्य कुछ तो इंटरलॉकिंग में, कुछ सरकारी स्कूल की दीवारों में करा दिया हमने। बाकी हमारा गांव जो है और गांवों से 10 साल पीछे है। हमारे गांव में कार्य की और सख्त ज़रूरत है। स्कूल में जो है कम से कम 25-30 लाख का कार्य है जो सरकार हम पर दबाव दे रही है कि स्कूल में काम कराओ। काम कराने के लिए पैसा होना चाहिए। गांव में अभी कच्चे रास्ते भी हैं और गांव में हमारे में पानी की समस्या बहुत है। जो जगह जगह तालाबों में पानी भरा हुआ है उनके नाले निर्माण नहीं है। नाली निर्माण के लिए पैसा और जो है स्वच्छता के लिए भी पैसा होना चाहिए। गांव में कोई सफाई कर्मी नहीं है हमारे यहाँ लगा हुआ और ना ही हमारे यहाँ कोई भी अभी लाइट व्यवस्था हुई है। लाइट का कोई नहीं लगी है। ये जो लग रही है सौर ऊर्जा वाली लाइट हमारे यहाँ कोई नहीं लगी गांव में। और गांव में जो है कार्य की बहुत ज़रूरत है। लोग आकर हमसे डिमांड करते हैं कि भाई ये काम कराओ, वो काम कराओ। काम जब ही तो हम कराएंगे जब सरकार हमें पैसा देगी। सरकार अगर पैसा देती है तो काम हम कराएंगे। और जो ये विधवा पेंशन या 60 साल पेंशन है ये सब लोग आकर हमसे कहते हैं कि जी हमारी पेंशन बंदवाओ। लेकिन ये पेंशनों का काम सब ऑनलाइन कर दिया गया। प्रधानों का कोई अधिकार नहीं है इन पर। और राशन की परेशानी हमारे गाँव में है। राशन कार्ड होने चाहिए कम से कम हमारे गांव में 1,000 के आसपास, जो मात्र 350-400 कार्ड बचे हुए हैं। और इनमें जो है कम से कम 300-400 कार्डों की यहाँ जो बूढ़े लोग और गरीब लोग रह रहे हैं उनको ज़रूरत है। और ये इसमें जो है प्रधानों से ये भी सब अधिकार छीन लिया गया है। डीलर जो है सब अपनी मनमर्जी से कार्य करते हैं। प्रधान का इसमें कोई हस्तक्षेप ना करने से गांव में बूढ़े लोग जिन पर कार्ड हैं उन्हें उनका हक नहीं पहुंच रहा।